अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एसेप टेस्ट अच्छे मार्क्स से क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एसेप टेस्ट के लिए डिस्कस करेंगे इस्लामियात के अहम तरीन सवाल। पहले की तरह इस वीडियो के भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इस्लामियात के सवाल डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट है आपका, जिसमें आपने एमसीक्यूज को करना है सोल्व। और जो कैंडिडेट एसेप टेस्ट पास करने के लिए सीरियस है उनके लिए इस वीडियो में पीडीएफ भी है। पीडीएफ के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर ऑलरेडी 30 से ज़्यादा एएसएफ की टेस्ट प्रिपरेशन वीडियोस मौजूद हैं और मज़ीद वीडियोस भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पार्ट वन। हमारा क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक के पहले हाफिज कौन है? जवाब है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी है? जवाब है मस्जिद कुबा। नमाज इस्तस्का इस प्रेयर फॉर, नमाज इस्तस्का किस लिए अदा की जाती है? जवाब है रेन, बरसात के लिए। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड इस्लाम अकर्स इन होली कुरान, कुरान पाक में लव्ज इस्लाम कितनी बार आया है? जवाब है 6, 6 बार। हाउ मेनी सन्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हेड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब है 3। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्क एज अ शेफर्ड फॉर होम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए चरवाहे का काम किया? जवाब है बनू साद। हाउ मेनी सूरा द कुरान कंटेंस, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? अहम सवाल है, नोट फरमा लें। जवाब है 114। हाउ मेनी मक्की सूरास आर देयर इन द होली कुरान, मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब है 86। हाउ मेनी मदनी सूरास आर देयर इन होली कुरान, कुरान पाक में कितनी मदनी सूरतें हैं? जवाब है 28। हाउ मेनी गजवात डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान, कुरान पाक में कितनी गजवात बयान हुई हैं? जवाब है 12, 12। ऑन विच ओकेजन सलात खसूफ इज परफॉर्म्ड, नमाज खसूफ किस मौके पर अदा की जाती है? जवाब है ल्यूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण के वक्त। ऑन विच ओकेजन नमाज कसूफ इज ऑफर्ड, किस मौके पर नमाज कसूफ अदा की जाती है? जवाब है सोलर इक्लिप्स, जैसा कि आपको पिक्चर से जवाब पता चल रहा होगा, यानी सूरज ग्रहण के वक्त। नमाज खसूफ अदा की जाती है ल्यूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण के वक्त, और नमाज कसूफ अदा की जाती है सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण के वक्त। ये दो अहम सवालात हैं और ये पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो इन्हें भी नोट फरमा लें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूरह अनकबूत इन होली कुरान, कुरान पाक में सूरह अनकबूत का क्या मतलब है? पिक्चर से आपको जवाब समझ में आ रहा होगा। जवाब है स्पाइडर, मकड़ी। होली कुरान वॉज रिवील्ड इन हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स, कुरान पाक कितने सालों और महीनों में नाजिल हुआ? जवाब है 22 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, 22 साल और 5 महीनों में। वेयर अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड, ज़कात की रकम कहाँ इस्तेमाल नहीं की जा सकती? जवाब है मॉस्क, मस्जिद में। द सूरा इन होली कुरान इन विच हज इज रिकमेंडेड, कुरान मजीद की किस सूरा में हज करने का कहा गया है? अहम सवाल है, जवाब है सूरह अल बकरा। हाउ मच गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वही, पहली और दूसरी वही के दरमियान कितना फ़र्क था? जवाब है 2 years and 6 months, 2 साल और 6 महीनों का। हु प्रपोज द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की तालीफ की तजवीज़ किसने दी? जवाब है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। विच सूरा इन होली कुरान इज नोन एज सूरह विदा, कुरान पाक में कौन सी सूरत सूरह विदा के नाम से मशहूर है? जवाब है सूरह अल नस्र। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन मेंशन्ड इन कुरान, कुरान मजीद में लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार आया है? बहुत अहम सवाल है। जवाब है 4 times, 4 बार। हाउ मेनी प्रोफेट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान, कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र है? जवाब है 25। विच सूरा मेंशन्स द माइग्रेशन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, किस सूरत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जिक्र है? जवाब है सूरह अल मुनाफिकून। हाउ मेनी सूराज स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स इन होली कुरान, कुरान पाक में अंबिया कराम के नाम से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? जवाब है 6, 6 सूरतें। वेयर कुर्बानी इज मेड ड्यूरिंग हज, हज के दौरान किस मकाम पर कुर्बानी की जाती है? जवाब है मीना, हज के दौरान मीना के मकाम पर कुर्बानी की जाती है। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्ला, कौन सी सूरत बिस्मिल्ला के बगैर शुरू होती है? जवाब है अल तौबा। व्हाट इज इस्तलाम, इस्तलाम क्या है? जवाब है किसिंग हजर अस्वद, हजर अस्वद को चूमना इस्तलाम कहलाता है।
इज कॉल्ड साकी जमजम। साकी जमजम किसे कहा जाता है? जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को। हु रोट किताबुल उम, किताबुल उम किसने लिखी? जवाब है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने। इन विच सूरा ऑफ कुरान देर इज मेंशन ऑफ ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? जवाब है सूरह अल कहफ। हमारा क्वेश्चन है ऑन विच डेट अरफात गैदरिंग इज हेल्ड ऑन ज़िलहज, ज़िलहज की किस तारीख को लोग अरफात के मुकाम पर जमा होते हैं? जवाब है 9th ज़िलहज, 9 ज़िलहज को अरफात के मुकाम पर लोग जमा होते हैं। अब स्टार्ट होता है वीडियो का पार्ट टू, जो सवाल हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के MCQs को आपने करना है सॉल्व। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, PDF का पासवर्ड को आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। एएसएफ टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।